नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले एक्सोकर्नल के बारे में। एक्सोकर्नल हमारे क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक एक्सोकर्नल। एक्सोकर्नल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा एक्सोकर्नल है, वो क्या एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया, विकसित किया गया है MIT के द्वारा। एक्सोकर्नल इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल दैट गिव्स एप्लीकेशन डेवलपर्स मोर कंट्रोल ओवर हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो एक्सोकर्नल हमारा एक टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल का। अगर आपको कर्नल के बारे में नहीं पता, कर्नल क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नल, ठीक है, कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको देख सकते हो आप, ठीक है। तो एक्सोकर्नल हमारा क्या होता है, टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल का दैट गिव्स एप्लीकेशन डेवलपर्स मोर कंट्रोल ओवर हार्डवेयर रिसोर्सेज। जो क्या देता है, हमारे जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं उनको ज्यादा नियंत्रण देता है हार्डवेयर रिसोर्सेज पर, हार्डवेयर के संसाधनों पर। Instead of providing high level abstractions like file systems, it focus on protecting and sharing resources, making it smaller and simple. तो जो हमारा exokernel operating system होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारे abstraction के ज्यादा high level नहीं होते, जैसे file system में हमारे abstraction के high level होते हैं, abstraction मतलब hiding के, data को hide करने के, complexity को hide करने के। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ऐसा provide नहीं करता है, ऐसा प्रदान करने के बजाय ये क्या करता है, हमारे इसका जो ध्यान होता है, focus होता है, किस पर रहता है, प्रोटेक्टिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज उनको शेयर करने पर, उनको साझा करने पर, उनको प्रोटेक्ट करने पर, उनको बचाने पर, मेकिंग इट स्मॉलर एंड सिंपल, जो इसको सिंपल आसान और स्मॉलर बनाता है। क्लियर है बात। इन एक्सोकर्नल सिस्टम्स डेवलपर्स कैन डायरेक्टली रिक्वेस्ट स्पेसिफिक हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एंड डिस्क ब्लॉक्स एंड द कर्नल एंश्योर दे कैन एक्सेस देम सेफली। तो एक्सोकर्नल सिस्टम में क्या होता है, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वो डायरेक्टली सीधे तौर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं विशेष प्रकार के हार्डवेयर रिसोर्सेज संसाधनों को, जैसे कि मेमोरी हो गई या फिर डिस्क ब्लॉक हो गए। और कर्नल का क्या काम है, कर्नल यह सुनिश्चित करेगा कि वो इनको एक्सेस कर सके, इन रिसोर्सेज को प्राप्त कर सके सेफली, सुरक्षित तरीके से, ठीक है। दिस अलाउज प्रोग्रामर्स टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्शन टेलर्ड टू देयर नीड्स, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इससे क्या होता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, उनको अनुमति मिलती है कि वो अपने अनुसार एब्स्ट्रैक्शन को क्या कर सके, टेलर कर सके, अनुरूप कर सके, अपने अनुरूप जो उनकी नीड है, जो उनकी आवश्यकता है, जरूरतें हैं, उसके अनुसार क्या कर सके, एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर सके, कस्टम बना सके, ठीक है। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस प्रदर्शन है और जो फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन है वो बढ़ेगा हमारा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वेयर ईच वर्कर कैन डायरेक्टली रिक्वेस्ट द स्पेसिफिक टूल्स एंड मटेरियल्स दे नीड फ्रॉम द सेंट्रल स्टोरेज एरिया। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की आप कल्पना कीजिए, जहां पर जितने भी जो वर्कर्स है, जो कर्मचारी है हमारे, डायरेक्टली सीधे तौर पर हमारे जो स्पेसिफिक विशेष प्रकार के टूल्स, औजार है, मटेरियल है, उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं सेंट्रल स्टोरेज एरिया से, ठीक है। सेंट्रल स्टोरेज एरिया, वहां से वो सारे टूल्स, जो वर्कर्स है, टूल्स को ले सकते हैं, मटेरियल को ले सकते हैं। द स्टोरेज एरिया इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड वर्कर्स कैन एक्सेस द टूल्स। तो स्टोरेज एरिया क्या इंश्योर करेगा, या सुनिश्चित करेगा कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जिनको अधिकार है, जिन वर्कर्स को, जिन कर्मचारियों को अधिकार है, वो क्या कर सके, एक्सेस कर सके हमारे टूल्स को, औजारों को, ठीक है, या फिर मटेरियल को, वही एक्सेस कर सके, वही प्राप्त कर सके। क्लियर है बात। बट हाउ दे आर यूज्ड एंड और ऑर्गेनाइज्ड इज अप टू ईच वर्कर। लेकिन जो वो टूल्स है, जो मटेरियल को वो किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, वो सब किस पर डिपेंड करता है, वर्कर पर डिपेंड करता है, ठीक है। गिविंग देम मोर कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, जिससे जो हमारा वर्कर है उसके पास ज्यादा कंट्रोल आ जाता है, ज्यादा नियंत्रण आ जाता है, और ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जैसे कुशलता बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। क्लियर है बात। यहाँ पर आप देखिए, द इमेज गिवन बिलो, नीचे दी गई इमेज शोज द सेपरेशन बिटवीन नॉर्मल कर्नल एंड एक्सोकर्नल। तो ये दिखा रही है हमारी सेपरेशन को, नॉर्मल कर्नल के बीच में और एक्सोकर्नल के बीच में। द रेड कलर लाइन रिप्रेजेंट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हार्डवेयर। तो जो हमारी रेड कलर की लाइन है, वो क्या दर्शा रही है, हमारी एक्सेसिबिलिटी को दर्शा रही है, पहुंच को दर्शा रही है हार्डवेयर की। फॉर प्रोग्राम्स लाइब्रेरीज एंड इन द एक्सोकर्नल स्ट्रक्चर, एक्सोकर्नल में जो प्रोग्राम लाइब्रेरी है उन तक एक्सेसिबिलिटी को दर्शा रही है हमारी रेड लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा क्या हार्डवेयर है, ये हमारे प्रोग्राम है, ठीक है। ये रेड लाइन क्या दर्शा रही है, एक्सेसिबिलिटी को दर्शा रही है। तो एक्सोकर्नल है जो हमारा, प्रोग्राम्स कैन कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर मच मोर इजली। तो एक्सोकर्नल में जो हमारे प्रोग्राम्स है वो इजली क्या कर सकते हैं, हमारे कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ डायरेक्टली सीधे तौर पर, ठीक है। ये हमारा क्या, नॉर्मल कर्नल, प्रोग्राम्स कम्युनिकेट विद लाइब्रेरीज और कर्नल। तो जो हमारा नॉर्मल कर्नल होगा, उसमें क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, लाइब्रेरी की मदद से या फिर कर्नल की मदद से, नॉर्मल कर्नल की मदद से कर सकता है
या फिर लाइब्रेरी की मदद से कर सकता है, लेकिन इसमें एक्सोकर्नल में क्या कर सकता है, डायरेक्टली सीधे तौर पर हमारा हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है। क्लियर है कंसेप्ट कैसे है हमारा एक्सोकर्नल का कंसेप्ट? तो ये हमारा क्या है, एक्सोकर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी है। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो पढ़िए और पढ़ाई अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।